काम किया, किसने किया विकास, क्या है गांव के मौजूदा हालात, ग्रामीण किसे देंगे अपना वोट, नाम पर या काम पर, पूछेंगे हम बताएंगे आप। खास कार्यक्रम पंचायती सरकार। सबसे पहले तस्वीरों के माध्यम से आप जरा गंदगी का यह आलम देखिए, किस तरह से नालियां ओवरफ्लो हैं, सड़कें उखड़ी पड़ी हैं और साफ सफाई तो इतनी कि स्थानीय लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। दरअसल ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं पानीपत के वार्ड 2 की हैं, जहां स्थानीय लोग चारों ओर से बीमारियों के खतरे से घिरे हैं, लेकिन उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। क्या वाकई पानीपत जिला ऐसे बनेगा स्वच्छ और स्वस्थ, जहाँ की आधी से ज्यादा कॉलोनियों के लोग हर समय गंदगी के बीच रहने को मजबूर हैं। नालियों का गंदा पानी ओवरफ्लो होकर उनके घरों के अंदर पहुंच चुका है। क्या ऐसे स्वस्थ रहेंगे जिलावासी? इस बारे में जब स्थानीय लोगों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि गहरे गड्ढे के कारण जिनमें गंदा पानी जमा हो रहा है उनका मकान भी गिर चुका है। गंदगी इतनी कि सांप तक यहां से निकलते हैं। सोचिए आप इन लोगों को हर समय कितना चौकन्ना रहना पड़ता होगा, क्योंकि सांप के जहर से जान तक जा सकती है। उन्होंने बताया कि शहरी विधायक, मेयर व पार्षद से कई बार समस्या से निजात दिलाने की गुहार भी लगा चुके हैं। वह मुहायना करने तो आते हैं, लेकिन केवल अपने मुजरिम प्यारों की बात सुनते हैं, निगम कर्मियों के साथ फोटो खिंचवाते हैं और वहां से चले जाते हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि यह गड्ढा इतना गहरा है कि कई वर्षों पहले इसी में डूबकर एक व्यक्ति ने जान तक दे दी थी। ये लोअर वार्ड है और ये पवन गोगली अपना MC है जी, और जो यह है यहाँ से है ना, जो गड्ढा करवाया कम से कम भी 20 फुट गहरा गड्ढा JCB कर ली, तो ये मेरे लेटरिन बाथरूम में इसीलिए गिरे हैं जी। नीचे है ना बिल्कुल कच्चा पानी भरा हुआ, सब है ना इतने मड़बा इसमें गिर गया। सपोर्ट नहीं थी किसी तरह की? ना कोई सपोर्ट नहीं। अच्छा, ये इधर बहुत सारा जो है गंदा पानी एकत्रित हो रहा है, घर भी है आसपास, तो किस तरह खतरा है यहाँ से? कुछ सांप है और सांप निकलते हैं जी। अच्छा, निकलते हैं? हाँ जी, पहले एक बहुत बड़ा जानवर भी अगर कभी हिसाब किताब यहाँ पाया था जी। अच्छा, हाँ, घोड़ी गाड़ी भी चलाई इसमें कई बार यहाँ से। प्रशासन की तरफ से कोई आता नहीं, निगम की तरफ से? आते हैं बस, देख कर अपना मुआयना करके चले जाते हैं। विधायक है, पार्षद है, मेयर है, सांसद हाँ। है, कोई भी नहीं आता? ये जो आते हैं तो जो इनके अपने करिंदे हैं, इनके जो अपने खास प्यारे मुजीज हैं, उनकी सुनते हैं और अपने चले जाते हैं। अच्छा, ये पंचायती है जी, जोड़ है ये, इससे समस्याएं, इतनी गंदगी है, तो सफाई कर्मचारी आते हैं नहीं आते हैं? इसकी कोई सफाई नहीं है, कोई नहीं, सारा गंद का पानी इसी में आ रहा है। अच्छा, कॉलोनियों का भी इसी में मिली थी? हाँ। कब की बात है, कैसे हुआ था ये? तो होली 8-10 साल पहले की बात है। अच्छा, क्या हुआ था इसमें? ये कूद के डूब के मर गया था। कूद के डूब के मरे था? बीमारी फैलने का भी खतरा है? हाँ, बीमारी भी इसी से फैलने, जो मच्छर थे और सारी बीमारी। अब इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थानीय लोग कितनी बड़ी परेशानियां झेलने को मजबूर हैं, लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका।